हाय, आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गला खराब हो रखा है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज। अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। 10,000 से लेके 1.5-2 लाख तक का स्मार्टफोन है इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर आप एक टैबलेट खरीदना चाहते हो तो आपको उतना ऑप्शन नहीं मिलेगा। बजट फ्रेंडली टैबलेट खरीदोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा तो प्राइस ज्यादा होगा, 50,000 से ऊपर। लेकिन Xiaomi ने एक टैबलेट लॉन्च किया है, Xiaomi Pad 6, जो एक वैलेंस टैबलेट है और साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी। इस वीडियो में Xiaomi Pad 6 के बारे में डिस्कस करूंगा, प्राइस कितना है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या है, क्या ये टैबलेट आपको खरीदना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले की बात करें तो 11 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 309 PPI का पिक्सल डेंसिटी मिलता है, 2880x1800 पिक्सल्स का डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ आता है, 550 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, डिस्प्ले 1 बिलियन कलर प्रोड्यूस करता है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है इस टैबलेट में। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पे, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे 30 FPS पे 1080 पिक्सल्स का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बैक साइड में डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और MIUI 14 टैब के साथ आता है। लेकिन अभी Xiaomi HyperOS का अपडेट मिल गया है, 3 साल का OS अपग्रेड यानी एंड्रॉयड 16 तक अपग्रेड मिलेगा, और 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है इस टैबलेट में। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टाकोर चिपसेट दिया गया है, जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। 3.2 GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर है ये। साथ में एड्रीनो 650 GPU दिया गया है। Xiaomi Pad 6 का अंतुतु स्कोर है 8,8126। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 8,840 mAh की नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया गया है। 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अच्छी बात है, बॉक्स में चार्जर मिल जाता है तो अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो 6GB और 8GB दो रैम वेरियंट के साथ 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला दो वेरिएंट में अवेलेबल है ये टैब। ग्राफाइट ग्रे और मिस्ट ब्लू दो कलर में अवेलेबल है ये टैबलेट। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के लिए कोई स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई भी सिम सपोर्ट नहीं करेगा, तो कॉलिंग का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ वाईफाई सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप जैसे सभी इंपोर्टेड सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर नहीं दिया गया है। डायमेंशंस की बात करें तो विड्थ है 165.18mm, थिकनेस है 6.51mm, हाइट है 253.95mm और वेट है 490 ग्राम्स। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 25,000 रुपीज़, और 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 26,999 रुपीज़। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अभी फ्लिपकार्ट पे गॉड सेल चल रहा है, तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट 2,500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे वीडियो शुरू में बताया था, Xiaomi Pad 6 एक वैलेंस टैबलेट है, तो कंसीडर कर सकते हो। मैंने लेनोवो का लीजन इंडिया का पहला गेमिंग टैबलेट का रिव्यू वीडियो बनाया था, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।